पूर्णिया के मीरगंज से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राम नारायण मंडल का प्रतिमा पर माल्यार्पण कर गौरव ग्राम यात्रा की मंत्री लेसे सिंह ने किया शुभारंभ। बिहार सरकार के खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री लेसे सिंह थामदाहा प्रखंड क्षेत्र के रंगपुरा दक्षिण पंचायत में ग्राम गौरव यात्रा के दौरान रंगपुरा में बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष राम नारायण मंडल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद उन्होंने बहेलिया स्थान दुर्गा मंदिर प्रांगण में सभा को संबोधित किया करते हुए कहा कि गौरव यात्रा कार्यक्रम के माध्यम से समाज में फैली सामाजिक कुरीतियां, नशा मुक्ति अभियान, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण आदि कार्यक्रम के माध्यम से गांव का विकास किया जा रहा है एवं मंत्री ने कहा कि सभी पंचायत में रात्रि विश्राम किया जाएगा, गाँव के विकास से ही राज्य एवं देश का विकास होगा। उन्होंने कहा सड़क, पुल, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार आदि सभी क्षेत्रों में चौमुखी विकास हुआ है। उन्होंने कहा विद्यालय में पढ़ रहे मेधावी छात्र छात्राओं एवं अच्छे शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने कहा मंगलवार को सेवैया में जनता दरबार का आयोजन है जहां सभी लोग अपनी समस्या का समाधान करने का मौका मिलेगा, साथ ही स्वास्थ्य जाँच शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बच्चों को कुपोषण मुक्ति के लिए भी जागरूक किया। मौके पर आशीष कुमार, बबलू, नवल किशोर यादव, मोहम्मद यूनि उर्फ पूनम, जदयू प्रखंड अध्यक्ष शंभु जायसवाल, क्षेत्र संख्या 16 के जिला परिषद सदस्य पुष्कर मिश्रा आदि उपस्थित हैं। सर्वप्रथम मैं आज ग्राम गौरव यात्रा के शुरुआती में जो हमारे इस इलाके के और गौरव थे गांव के इलाके के राम नारायण मंडल जी जो स्पीकर भी थे उनके प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और यहाँ से ग्राम गौरव यात्रा की शुरुआत हो रही है और इसमें ये अलग तरह का कार्यक्रम है जो हमारे पूर्वज थे उनको मैं नमन करती हूँ जिन्होंने गांव को आगे बढ़ाया, गांव के गौरव को आगे बढ़ाया और इसमें सामाजिक अभियान है। इस ग्राम गौरव यात्रा में सामाजिक अभियान है जो कैसे हमारा गांव आगे बढ़े और गाँव से ही देश आगे बढ़ सकता है। हमारे समाज में सामाजिक कुरीतियाँ है, नशा मुक्ति अभियान के तहत इसमें हम लोग ग्राम गौरव यात्रा में जुड़े हैं। हमारे जो प्रतिभावान छात्र छात्रा हैं उनको सम्मानित करेंगे, जो हमारे विशिष्ट कई क्षेत्रों में जो विशिष्टता प्रदान करने वाली महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, उन सबको सम्मानित करेंगे। ये एक सामाजिक कार्यक्रम है, सामाजिक पहल है तो इसमें सभी लोगों की भागीदारी चाहिए। स्वच्छता अभियान की भी हम लोग इसमें जोड़े हैं, स्वच्छता अभियान की जागरूकता के लिए भी कैसे हम स्वच्छ रहें, आसपास लोगों को स्वच्छ रखें, साफ सुथरा रखें ताकि हम स्वस्थ भी रहें और स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूकता हम लोग इस अभियान में जोड़े हैं कि कैसे लोग स्वस्थ रहें और कुपोषण से भी शिकार जो हमारे बच्चे होते हैं वो भी उससे भी कैसे कुपोषण से मुक्ति मिले। इन सभी इस गौरव ग्राम गौरव यात्रा में सभी चीज़ों को शामिल किए ताकि हमारा समाज एक सुंदर समाज का निर्माण हो सके। कब तक ये यात्रा? वृक्षारोपण भी है जो हम पर्यावरण से अभी जूझ रहे हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है, बारिश में जितनी वर्षा होनी चाहिए वो नहीं हो रहा है तो इससे वृक्ष भी दान करेंगे और वृक्षारोपण भी करेंगे, पर्यावरण को कैसे संतुलित रखा जाए इसके लिए लोगों को जागरूक करेंगे। ये आज से शुरू है, आज 21 से लेके 25 तक प्रथम चरण में है, फिर द्वितीय चरण का भी हम लोग शुरुआत करेंगे, फिर लगातार अभी तो इस जगह से शुरू हुआ, लगातार हम लोग हर जगह क्षेत्र से लेके अन्य जगह भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। कितने पंचायतों में अभी हम लोग धमधा विधानसभा से शुरू किए हैं, पहले इस विधानसभा में पूरा कर लगे फिर आगे हम लोग रूपरेखा बनाएंगे। इसका उद्देश्य क्या? इसका उद्देश्य है कि हमारा जो गांव है उसका गौरव कैसे बढ़े, जो हमारे पूर्वजों ने जो हमें दी है विरासत में उसको हम आगे बढ़ाएं, चाहे पर्यावरण को संरक्षित करना है, पर्यावरण संतुलन हो, जो हमारे मेधावी छात्र छात्राएं हैं उसको आगे बढ़ाएं, हमारे जो बच्चे बच्चियाँ हैं कुपोषण से बचे, कुपोषण से मुक्ति मिले, स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना है, नशा के प्रति जो लोग
अभी नशा के आगोश में आ चुके हैं, उसको कैसे नशा मुक्ति अभियान को इसमें जोड़े हैं, तो हर तरह से समाज कैसे हमारा सुंदर समाज हो सकता है, इसके लिए हम लोग ये ग्राम गौरव यात्रा की शुरुआत सम्मान की बात।